भारत एक लोकतंत्र वाला देश है, जहां पर लोकतंत्र भी इस बात को परिभाषित करता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हितों को ध्यान रखते हुए नियम का कानून सभी के लिए एक है, चाहे वह पुलिस प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो या आम नागरिक हो। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मामला डोंगरगढ़ ब्लॉक के थाना डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलगांव का है, जहां पर भाजपा के जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य रवि अग्रवाल एवं अनुसूचित जाति युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुरली गेडाम की। क्या है पूरा मामला? यदि पीड़ित मुरली गेडाम की माने तो भाजपा के जनपद सदस्य रवि अग्रवाल के भाई से पान ठेले में किसी बात के चलते विवाद बढ़ गई, और ऐसे क्या हुआ कि आधे घंटे के बाद खुद रवि अग्रवाल अपने भाई को लेकर पुनः मुरली गेडाम के घर पहुंच जाता है और रात्रि तकरीबन समय अनुमानित 9 बजे के आसपास कुछ अन्य लोगों के साथ मुरली गेडाम के घर पहुंचकर मुरली गेडाम और उसकी बीवी बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ ही मारपीट करने की बात सुनने में आ रही थी। वहीं पुलिस थाना प्रभारी का कहना है कि उसे रवि अग्रवाल फोन करके मुरली गेडाम के घर झगड़ा लड़ाई होने की सूचना देता है। उसके बाद थाना प्रभारी अपने टीम के साथ मुरली गेडाम के घर पहुंचकर बाहर खड़ा रहता है। अंदर रवि अग्रवाल मुरली गेडाम के घर हाथापाई करता है। वहीं थाना प्रभारी के कथा अनुसार वह बार बार मुरली गेडाम को बुलाने भेजता है। ऐसे में मुरली गेडाम के घर वाले डरे सहमे मुरली गेडाम को बाहर निकलने से रोकते हैं। इस बीच थाना प्रभारी अंदर जाकर नहीं देखता कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे में 15 साल का बच्चा बाहर आता और सभी की धमकी चमकी के चलते थाना प्रभारी से बाहर आकर क्षमा याचना करता है। थाना प्रभारी वहीं पर रवि अग्रवाल और मुरली गेडाम के बीच हो रहे लड़ाई विवाद का निपटारा कर देता है। वहीं मुरली गेडाम की मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें उसके गले पर निशान स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वह किस मकसद इरादे से घर आया उसे नहीं पता। बताएंगे मारपीट का क्या मामला हुआ था आपके साथ में, जिसके लिए आपको एसपी ऑफिस तक जाना पड़ा? जी सर, पहले तो मैं बताऊं कि मेरा नाम मुरली ग्राम बेलगांव निवासी हूँ और मैं बस्ती तरफ से आ रहा था। तो जैसे बस्ती तरफ से आ रहा था, एक लड़के मेरे बुलाया, रोहन नाम का, ये कहाँ जा रहे हो? लड़के मैं बोला यार घर जा रहा हूँ। तो बोले कल जा रहे क्या उसमें गिनती में? मैं जा रहा हूँ। फिर भाई चलो क्या आड़ी लगता है, पास लगता है, कहाँ जाओगे? फिर सुबह में फिर वहीं पे सरे सरकार बैठा था और मेरे को गाली जाती गाली देते हुए मारपीट करने चल पड़ गया। मतलब इतना भद्दा गाली दिया जहाँ से मार डाल हुआ, और मारने के बाद देखो ये भी है लगा हुआ है, गला दबा दिया था। वो गला दबाने के बाद जैसे जैसे माहौल शांत हो गया, फिर मैं घर आ गया। घर पर आके मैं खाने के बैठा, एक घंटा आधा घंटे एक घंटे बाद उसके भाई रवि अग्रवाल जो जनपद सदस्य है और बोलता है मैं तेरा काट डालूंगा, मार डालूंगा, छोड़ू नहीं, यदि दो बार बचा है अब तेरे को गांव भगा भी दूंगा। और रिच जा कर करके बोलते हुए घर में घुसा, मेरे बच्चे लोग को भी मार पीट चल कर दिए, बीवी को बच्चे को पूरा झटका मार के मारते हुए निकल गया और फिर ऊपर भी चढ़ गया। फिर मेरे को घसते हुए सलेश रवि अग्रवाल जो अभी सदस्य है वर्तमान में, इनका इतना पावर है, बोलता है राम जी भारतीय है, कोई टेंशन नहीं, आगे मेरे बहुत लंबा पहुँच है, तेरे को यहीं गाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, कोई सुनने वाले नहीं है। मैं बोला सर गरीब आदमी का ये हाल है, आज दिन चल बोलते हुए हम हमारे बहुत समाज को गलते रहे, मेरे को गलते रहे, इतना कहना चाहिए नीच, मतलब इतना नीच तो भाई हूँ मैं, जाति जाति जरूर मेरे महार है लेकिन मैं नीच नहीं हूँ। उसके बाद जाति गली देते हुए मार पीट अंदर घुसे, इतना मारे मेरे को रात घुसे से एकदम मारे, हो सकता है मेरे प्राण भी जाता, मेरे बच्चे और बीवी छुड़वाए देख करके और मेरे को घर अंदर बंद कर दिए। फिर बाहर में जाकर के भी पता चला कि बच्चों ने बताया कि तीन डग्गे आए थे और टी आई साहब भी आए थे। तो मैं बोला टी आई साहब आए तो उस बार भी घर अंदर घुस गए, वो इतना दादागिरी है। बाहर में बोलता है राम जी भारती मेरे साथ है, कोई कौन क्या कर लेगा, मेरा बहुत लंबा पहुँच है, मैं कुछ भी कर लूँगा, मेरे को सुनने वाला करने वाला नहीं है, मेरे हाथ में थाना है, एस पी है, सब है, ऐसा हमेशा बोलता है। और एक बार नहीं कई बार मारपीट किए हैं गाँव में, कई लोगों को मारपीट किया है मेरे गाँव में। जब जब भाजपा सरकार आता है तो उसका मारपीट करना चल हो जाता है। तो आपके साथ जो मारपीट हुई उसके लिए आप डोंगरगढ़ थाना या एसडीओपी साहब के पास जी शिकायत? जी आप, मैं जैसे 3 तारीख की रात की घटना है, दिन सोमवार को आड़ी बात है,
फिर मैं गिनती था 4 तारीख को, मेरे को आईडी मिला था वहाँ जाने की पास के लिए गिनती के लिए। मैं उस दिन मेरे को यह हो गया कि मेरे को रिपोर्ट तुरंत लिखाना था और बच्चों को बस्ती घर अंदर बंद कर दिए दरवाजा लगा करके, मैं घर बाहर नहीं जा सकता, सीधे निकल के रहा हूँ चाहूँगा। फिर मेरे को घर भी फिर बोले अरे तो गलत है, फिर कभी हो सकता है फिर मारपीट कर दे। तो मैं दूसरा दिन 5 तारीख को एसपी ऑफिस गया, एसपी साहब से मिला मैं तो बताया भी ये बात को, बोल भी आपको थाना जाना चाहिए। फिर मैं 6 तारीख को थाना गया, बोलता तुम लेट कर दिया, तुम गलती किए हो, इसीलिए डर गया हो सर। डर तो लगता ही है, गाँव का आदमी तीन दिन लग गया घर के सामने खड़े हैं। अब घर में कोई बच्चे लड़की है, बस मेरी बीवी भतीजी है, भाभी है और भी बच्चे थे, मतलब तो लड़की लड़की थे घर में, मेरे भाई लोग सब बाहर थे। और इतना मारते हुए भी है कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। मैं गया था ये देख लो, भाई दिया हूँ एस पी ऑफिस दिया हूँ, हरियाणा थाना में दिया हूँ और थाना में दिया हूँ, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा है अभी तक। अब सोचने वाली बात यह निकल कर आता है कि आखिर थाना प्रभारी पीड़ित के घर के अंदर क्यों नहीं गया, आखिर रवि अग्रवाल अंदर क्या कर रहा था और अचानक ऐसे क्या हुआ कि 15 साल का बच्चा क्यों थाना प्रभारी से क्षमा याचना कर रहा था। क्या थाना प्रभारी रवि अग्रवाल को संरक्षण दे रहा था? यदि संरक्षण दे रहा था तो आखिर क्यों? इसके पीछे क्या सत्यता हो सकती है? क्या यही कारण हो सकता है कि थाना प्रभारी वाद विवाद झगड़ा लड़ाई होने तक बाहर खड़ा था? डोंगरगढ़ थाना पहुंचने पर मुरली गेडाम की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? और तो और रवि अग्रवाल ने किसी प्रकार से रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? वहीं एकाएक चलित थाना का हवाला देते हुए तुरंत समझौता कराने की बात कही। हाँ, हमको अचानक पता नहीं था और हम घर में थे, परिवार ये बाहर थे और उधर से शायद ये आ रहे थे, घर आ रहे थे और अचानक वो दुकानदार इनको पकड़े और ना मारने चल के गाली बकता करके, एक पता है हमको पता ही नहीं था, बहुत इनको ना और ना इनका गला दबाने की कोशिश कर। हम आके देखते घर आइए तो देखते थे इनको पूरा नाखून का खरोस था, गले में खरोस था पूरा, ऐसा इनका गला दबा रहे थे क्या तुम, हमको कुछ पता ही नहीं था। उधर मारपीट हो रही, अपने आप पकड़े उन लोग ना मारपीट करने बैठ गए, इनको पीठ पीछे तरह से वार किए इनका उस दिन, बहुत ये ना ये ना उस दिन मरते मरते बचे मेरे पति, बहुत ही मतलब इन लोग ना बहुत पीछे पड़े मेरे पति के, कोई इनका न्याय करने वाला है ही नहीं है। मेरे पति के लिए न्याय होना जरूरी है, मेरे पति घर के अंदर घुस के मारे, हम डर गए थे पूरे, डर गए थे कहाँ आए करे, कहाँ आए मुरली करके ना, और दादागिरी से एक लड़के पाड़ के घुसा वो रवि अग्रवाल घर के अंदर घुस गया और हम एकदम बिल्कुल डर गए थे। वहाँ मेरी लड़की का कॉलर पकड़ा उसने और मैं और हम लोग छुड़ाने की इसमें हो गए थे, वो इतना दादागिरी से घुस गया था पूरा ऊपर छत तक आ गया था अंदर तक, और मेरी जेठानी और उसकी बेटी भी थी अंदर, हम लोग ना पूरे डर गए थे, कभी हम सोचे नहीं थे ऐसी लड़ाई झगड़ा इतना दादागिरी से। और मेरे बड़े जेठ बाहर को उधर थे, वो दोनों भाई नहीं थे, तीनों भाई हैं पर दो भाई ना घर में नहीं थे, कोई नहीं करके ना उन लोग ना पीछे से वार किए और घुस भी गए घर में, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का मारे हम लोग को, धक्का मारे वो लड़की कालर पकड़ी मेरी लड़की कालर पकड़ी बहुत ही एक ही उन लोग ने। आपके साथ में क्या हुआ था बेटा उस दिन जो मारपीट हुई घर में? जब मैं पापा के साथ यहाँ पे थी, पापा खाना खा रहे थे, फिर वो वहाँ पे घर के बाहर पे गाड़ी लेके आए लड़के के साथ, फिर सब वैसे दादागिरी करते टाइम ऐसे मम्मी भाई को और नीचे में दीदी और बड़े लोग सोए थे वहाँ रूम में भी घुस के गाली गलौज की पापा को पूछते पापा का नाम लेते फिर यहाँ तक ऊपर तक आए और हम लोग को लगा के चले गए थे कि पापा को मारे मत करके, और फिर उसके बाद आया रवि अग्रवाल फिर गाली दिया बहन का माँ का ऐसे करके, तो पापा के साथ थी फिर पापा को छुड़ाते हुए फिर उसको भी छोड़े ऐसे करके, वो ऐसे यहाँ पे ऐसे कॉलर पकड़ लिया था, कॉलर पकड़ने के बाद फिर खींचे जा रहा था, फिर खींच रहा था, फिर उसके बाद सब हाथापाई में सब छोड़े ऐसे धक्का मार के निकाला, फिर उसके बाद सब आए, हम लोग लेडीज लोग थे डर के बारे में कुछ भी ठीक कर पाए थे, लेकिन वो मेरे साथ भी ऐसा गलत व्यवहार किया और पुलिस वाले भी पापा को रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। इस बात का मीडिया के पास किसी प्रकार का ठोस प्रमाण नहीं है, केवल शंका जाहिर की जा रही है। यदि हमारी शंका सच साबित होती है तो केवल संयोग मात्र होगा। हमारी रिपोर्ट बिना किसी लालच भय या घृणा से या द्वेषपूर्ण वेश नहीं है,
हमारी रिपोर्ट बिना किसी लालच भय या घृणा से या द्वेषपूर्ण वश नहीं की जा रही है। हमें किसी भी पक्ष या अधिकारी कर्मचारी की भावना को ठोस नहीं पहुंचाना है। सर, ये बेलगांव में जनपद सदस्य रवि अग्रवाल और मुरली के डैम पर बीच विवाद का मामला सामने आया है सर, क्या है पूरा प्रकरण सर? आज से करीब 10 दिन पहले की एक घटना था। रात के करीबन 8:30 के आसपास हम लोग को 112 में कॉल आया कि वहाँ झगड़ा विवाद चल रहा है बेलगांव में करके। तो सबसे पहले 112 को भेजा था, उसके बाद पेट्रोलिंग भी मुसरा साइड से आ रही थी तो वो भी रुकी थी। और कॉल मुझे फिर से आया कि लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है करके। मैं भी वहाँ मौके पर पहुँचा था, तो वहाँ पर जा कर के देखे तो रवि अग्रवाल और शैलेश अग्रवाल और कुछ गांव के 10-12 युवा और आसपास के दुकानदार खड़े हुए थे। झगड़ा शांत हो गया था, फिर मैंने पूछताछ किया क्या हुआ है, कोई विवाद हुआ है करके, ये विषय आया था सामने। फिर मुरली गड़ाम का नाम आया तो मुरली गड़ाम के घर मैंने गांव वाले को भेजा तो आया नहीं बुलाने से। फिर हम लोग पुलिस को मैंने 3 बार भेजा कि बुला के लाओ, क्या है, राजीनामा हो गए हैं तो भी हमें जानने की ज़रूरत है क्योंकि मौके पर उपस्थित हैं, तो वो आया नहीं। बल्कि उसके तरफ से फिर मुरली गड़ाम का भतीजा या कोई बेटा है 16-17 साल का, वो वहाँ पर आया था और माफ़ी भी मांग रहा था इन अग्रवाल पार्टी लोग से कि हमसे गलती हो गया है और आना नहीं चाहता है। और इस विषय पर मुरली गड़ाम ने भी बढ़ा चढ़ा कर शिकायत दर्ज कराया है और ये अग्रवाल शैलेश अग्रवाल ने भी बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट किया है, क्योंकि जब मैं परिस्थिति मौके पर था ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जैसा इन्होंने आवेदन में लिखा है। सर, रवि अग्रवाल के क्या भूमिका थे सर? उपस्थित था, वो उसने क्या किया है क्या नहीं है तो मैं नहीं जानता, पर उपस्थित था जब मैं गया था। जी सर, वो बताया उनके परिजन जो है मुरली गड़ाम के हैं घर वाले, वो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर में, बोल रहे हैं कि मतलब आए हैं हाथापाई किए और मारपीट किए हैं करके। पहले ही बता रहा हूँ, इसीलिए बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। यदि ये बात सही था तो मैं मौके पर मौजूद था, 3 बार पुलिस के बुलाने से मुरली गड़ाम आया ही नहीं सामने, अपने बच्चे को भेजा और भी वो माफ़ी मांग रहा था कि हम केस नहीं चाहिए करके। तो इससे प्रतीत होता है कि बढ़ा चढ़ा कर शिकायत दिए गए। नाबालिग बच्ची को भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है सर, बच्ची द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कैमरे के सामने आरोप लगाया गया। जब मैं उपस्थित था तो न तो उनके फैमिली ने कोई बोलने तैयार था न उनके बच्ची ने। जब घटना तत्कालिक में जो बताया जाता है उसी को सत्य माना जाता है, बाद में जो बोला गया झूठा है समझ लिया। सर, मुरली गड़ाम नहीं आया तो आप गए थे घर में सर उनके? हाँ, उनके घर के पास हम लोग लगभग आधे घंटे खड़े नहीं, उनके परिवार वाले बाहर आए थे नहीं कि आप? हाँ, वो बच्चे बच्चे सब बाहर आ रहे थे, बोले कोई केस नहीं चाहिए केस नहीं चाहिए, हम लोग से गलती हो गया, बोले क्या गलती हुआ था तो नहीं बताया। आपसे उनकी महिला वगैरह बच्चों से बात हुई आपकी? नहीं, बच्चे उसका लड़का से बात हुआ। बहरहाल यह सोचने वाली बात होगी कि एक ही पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के बीच इस तरह के वाद विवाद होना और हाथापाई मारपीट पर आमादा होना एवं पूर्व विधायक रामजी भारती का नाम सामने लाना रामजी भारती के प्रति साजिश तो नहीं है, या फिर रामजी भारती के द्वारा रवि अग्रवाल को खुली छूट तो नहीं मिल रहा है? क्या है पूरा मामला, ये तो समय ही तय करेगी। डूंगरगढ़ से अमृत स्टांडिया की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सी डिवीजन।